हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा, किस तरीके से हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। मैं दो चीजें लिखूंगा इसमें। पहली चीज है हमारी, पहला पॉइंट है इसका कि अक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाऊं, अक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक करे। सिर्फ दो ही बातें बोलूंगा, अक्स के कोफिशिएंट को आधा करे जी। मैंने वापस बोल रहा हूं, अक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को वन करना है और अक्स के कोफिशिएंट को आधा करना है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस थोड़ा सा के ही टाइम लूँगा। हाँ जी, यहाँ अक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला काम हमारा हो गया है। तो यहाँ लिख दीजिएगा अक्स, माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा। यहाँ अक्स के कोफिशिएंट क्या है, थ्री है, तो इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ लिख दीजिएगा 3/2 और इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर माइनस कर दीजिएगा वापस से 3/2 का होल स्क्वायर, और आगे जो आपके पास लिखा हुआ है वो हो ही जाएगा। क्लियर है सारी बातें? नेक्स्ट देखिएगा, अक्स की जगह एक्स स्क्वायर की जगह एक्स लिख दिया, प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे। यहाँ अक्स का कोफिशियंट 17 है और इसका आधा करेंगे तो 17/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 17/2 का होल स्क्वायर। हाँ जी, फिर वापस माइनस करेंगे, हमेशा 17/2 का होल स्क्वायर माइनस आपकी जगह ही है, परफेक्ट स्क्वायर हो गया है। अच्छा, आप ऐसे बोलना चाहते हो कि सर इसको परफेक्ट स्क्वायर आगे और कैसे सोल्व किया जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है, अक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/4 प्लस 5। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, बोलो, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 9 माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिएगा इस तरीके से, 9 प्लस 20/4। तो यहाँ ये बनेगा 11/4। क्या बनेगा, 11/4। तो अब हम इसको बना देते हैं, ये हो जाएगा √11/2 का होल स्क्वायर। परफेक्ट होल स्क्वायर बन गया है, इसी तरीके से इसको सोल्व कर लीजिएगा। और नेक्स्ट देखिएगा, ये हो जाएगा अक्स प्लस है तो प्लस, अक्स का कोफिशियंट 5 है तो यहाँ आ जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 है। अच्छा, आपको और एग्जांपल देखना है तो और एग्जांपल देख लीजिएगा, एक आप सोल्व कर दीजिएगा इसको, है ना। वाई इक्वल्स टू 3x² माइनस का 7x प्लस का 4। और एक एग्जांपल और होमवर्क आपको और देता हूँ, वाई इक्वल्स टू 7x² माइनस का 5x प्लस का 9। और दूसरा देखिएगा, 3x² प्लस का 5x प्लस 21। ये आपका होमवर्क है, ये हम यही करने वाले हैं। हाँ जी, पहला काम हमारा अक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को वन करना, तो ये हो जाएगा 3 कॉमन लेते ही अक्स स्क्वायर माइनस 7/3x प्लस 4/3। हमारा पहला काम हो गया है अक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को वन करना, जो हम कर चुके हैं। हाँ जी,
अब करना है हमें अक्स के कोफिशेंट को आधा, 3 को बाहर रख लीजिएगा, ये हो जाएगा अक्स माइनस है तो माइनस, अक्स का कोफिशेंट ये आया है, हाँ जी 7/3, 7/3 का आधा करेंगे, 7/3 का आधा करेंगे तो नीचे 2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 7/6, तो यहाँ लगा देंगे 7/6 का होल स्क्वायर, फिर माइनस कर देंगे 7/6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4/3। क्लियर है सारी बातें? चलो आगे देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर की सारी बातें हो गई हैं।